येवेल हाय, दिस इज सुशील। ऐसा करते हैं कि आज हम लोग रेशनल नंबर को देख लेते हैं और आज हम लोग सीख लेते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को कैसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हमने पहले से कुछ एग्जांपल ले लिया है। और रेशनल नंबर, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि एनी नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू। ये देखिए, हमने लिखा है पी अपान क्यू। अच्छा, पी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ न्यूमरेटर बोलते हैं, और यहाँ जो क्यू है हमारे पास, क्यू क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक, जहाँ हमारे पास जो क्यू होता है यानी जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। अच्छा, दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं ऑलमोस्ट रेशनल नंबर ही होते हैं, ये चीज़ आप मान के चलिए। सबसे एक जटिल प्रश्न यह पूछा जाता है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन बी फॉर्म बिटवीन टू नंबर। किसी भी दो संख्याओं के बीच कितने रेशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। तो याद रखिए, टू नंबर्स के बीच हमेशा इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड होते हैं, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, आज हम लोग देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को। तो हमने पहला एग्जांपल ले लिया है फाइव, कि फाइव को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फाइव है, तो जैसा कि हम लोग नंबर लाइन पढ़े हैं, तो नंबर लाइन में हमेशा जो बीच में होता है वो हमारा जीरो होता है, और जीरो से हमेशा जब कभी हम राइट साइड में मूव करते हैं तो जो भी वैल्यू लिखी जाती है प्लस में होती है, और लेफ्ट साइड में आते हैं तो माइनस में होती है। यानी कि जीरो से हम लोग राइट साइड में चलेंगे तो ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा थ्री, फोर, और ये हो जाएगा फाइव। चूँकि हमारे पास वैल्यू क्या है, प्लस में है, इसलिए हम लोग प्लस की तरफ ही लिखते हैं। अब हमको क्या करना है, फाइव पे जाना है। अच्छा, फाइव को हम लोग और चाहें तो फाइव अपॉन वन भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमेशा याद रखिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आप जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो से आपने स्टार्ट किया और किसको रिप्रेजेंट करना है, फाइव को। तो आप फाइव पॉइंट तक चलेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, आप यहाँ तक आएंगे और इसी को आप क्या करेंगे, मिला देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइव। किस पे, नंबर लाइन पे। चलिए दूसरा देख लेते हैं, वन अपान सेवन। वन अपान सेवन है। अच्छा, सबसे पहले ये देखें कि वन अपान सेवन है तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर से अधिक है, और जब कभी डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से तो ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन होता है। तो ये हमारा जो फ्रैक्शन होता है वो आपका होता है इम्प्रॉपर का, सॉरी प्रॉपर का फ्रैक्शन होता है, ये हमारे पास प्रॉपर होता है। और आप चाहें तो वन अपान सेवन को क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस वन अपान सेवन, क्योंकि जीरो ऐड करेंगे तो कोई फर्क इसमें पड़ेगा नहीं। तो आप वन अपॉन सेवन को क्या लिख दीजिए, वन अपॉन सेवन को लिख दीजिए, जीरो प्लस वन अपॉन सेवन। फिर से वही चीज़, जीरो से शुरू करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जीरो से हमको कहाँ तक जाना है, जीरो से अगले नंबर के बीच तक ही हमको रहना है। तो हमने जीरो से स्टार्ट किया, अगला नंबर क्या है, वन, और इसी के बीच कितने पार्ट करने हैं, सेवन पार्ट करने हैं। तो हम सेवन पार्ट कर देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और ये रहा सेवन। एक्चुअली हम क्या करते हैं, इस नंबर लाइन को थोड़ा सा हम लोग और बड़ा बना लेते हैं। तो सीखने के लिए हम क्या करते हैं कि ये रहा हमारे पास नंबर लाइन, जीरो से हमने स्टार्ट किया, ये रहा वन, ये रहा टू, और ये रहा थ्री। जीरो से हम चलेंगे और जीरो और वन के बीच में कितने हम पार्ट करेंगे, क्योंकि डिनोमीटर जितना होता है उतना ही पार्ट करते हैं, तो डिनोमीटर में कितना है, सेवन। सेवन पार्ट कर दीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और ये रहा वन पे हमारा सेवन। तो अब हमको इसमें से कितना पार्ट लेना है, न्यूमरेटर जितना होता है उतना पार्ट लेते हैं, तो हमको वन पार्ट लेना है। तो यही हमारा वन पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन सेवन। टू पे रहते हैं तो टू अपॉन सेवन, थ्री पे रहते हैं तो थ्री अपॉन सेवन, फोर पे रहते हैं तो फोर अपॉन सेवन, ऐसे करके हमारा क्या बढ़ता, ये आगे बढ़ जाता। अच्छा, अब आगे देखिए, फोर अपॉन नाइन है, तो अब हम क्या करेंगे, जीरो वन टू थ्री, चूँकि प्लस में है तो नेगेटिव साइड में हम जानबूझ के वैल्यू नहीं लिख रहे हैं। अब हमको क्या करना है, फोर अपॉन नाइन को हम लोग लिख सकते हैं जीरो प्लस फोर अपॉन नाइन। ठीक है, तो हम जीरो से आगे बढ़ेंगे वन तक, और इसके बीच हमको कितना पार्ट करना होगा, तो जितना डिनोमिनेटर में होगा उतना पार्ट इसको हम चेंज कर देंगे। डिनोमिनेटर में कितना है, नाइन, तो हमने इसको नाइन पार्ट में चेंज कर दिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स
सेवन एट और ये रहा नाइन। अब हमको कितना चेंज करना है, 4/9 करना है, यानी कि 9 पार्ट तो हमने बना दिया और कितने पार्ट को पिक करना है, 4 पार्ट को। तो ये रहा 1, 2, 3 और ये रहा 4। हमेशा 0 से चलते हैं, 0 और क्या करेंगे 4 को मिला देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा 4/9। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें अगला हमारे पास क्या है, 2 होल 3/5। अच्छा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 + 3/5 भी लिख सकते हैं। अच्छा देखिए कैसे, तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो 5 × 2 = 10, 10 और 3 = 13/5 हो जाएगा। और इसको भी चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 5, यानी कि 5 × 2 = 10 और + 3 = 13/5, यानी हम 2 होल 3/5 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 3/5। अब ये हमारे लिए आसान हो जाएगा, कैसे, प्लस की वैल्यू है तो नेगेटिव हम लोग छोड़ देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि 1, 2, 3, 4। सबसे पहले देखिए हमारे पास होल नंबर में 2 है, यानी सबसे पहले हम 0 से 2 तक तो चलेंगे, यानी कि हमने क्या किया, 0 से 2 तक तो गया, यहाँ तक तो आया, लेकिन इसके आगे भी है हमारे पास क्या, तो 3/5, यानी कि अगले हिस्से को हमको कितने हिस्सों में चेंज कर देना है, 5 हिस्सों में। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 हिस्सों में चेंज कर देंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक, क्योंकि हम यहाँ से 2/5 और ये क्या हो जाएगा, 3/5, 4/5, 5/5 और ये एक्चुअल में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। तो हमको इसमें से क्या करना है, 2 तक तो हम लोग आ गए हैं, आगे बढ़ेंगे तो इसमें से 3 पार्ट लेना है, यानी कि 1, 2, 3 और ये रहा हमारे पास 3। यहाँ तक तो हमारे पास 2 था और ये वाला हिस्सा कितना है हमारे पास, ये वाला हिस्सा है हमारे पास 3/5, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया, कितना हो गया, 2 होल 3/5। अच्छा वैसे ही हमने इसको भी लिखा है, 7/3 है, 7/3 को क्या लिख सकते हैं, 2 होल 1/3, 3 × 6 = 1, 7/3। चलिए अब इसको हमको चेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1/3, यानी कि हमने 0 से स्टार्ट किया, पहला रहा 1, दूसरा रहा 2, तीसरा रहा 3, चौथा रहा 4। तो 0 से तो हम चलेंगे ही चलेंगे, क्योंकि हमेशा 0 से ही चलते हैं, कहाँ तक जाएंगे, सबसे पहले 2 तक आ गए। अच्छा 2 के आगे बढ़ेंगे तो कितना हिस्सा चाहिए, 3 में से एक हिस्सा, तो सबसे पहले इसको हम लोग 3 हिस्से में चेंज कर लेते हैं, तो 1, 2 और ये रहा 3। तो इसमें से कितना हिस्सा लेना है, 1, यानी कि ये वाला हिस्सा हम पिक कर लेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, 2 होल 1/3। अच्छा आगे एक और देख लेते हैं, 1 होल 1/4, 0 से चलेंगे, चूँकि प्लस में है तो केवल हमको दाहिने साइड चलना है, 1, 2, 3, 0 से हम चलेंगे, चूँकि 1 हमारे पास कंप्लीट नंबर में है तो 1 तक तो हम चलेंगे ही चलेंगे, उसके आगे जब बढ़ेंगे तो अगले हिस्से को कितने हिस्से में चेंज करना है, 4 हिस्सों में। तो ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3 और ये रहा 4। इसमें से हमको कितना हिस्सा चाहिए, 1 हिस्सा चाहिए, तो यहाँ से हम ये वाला 1 हिस्सा पिक कर लेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, 1 होल 1/4। अच्छा वैसे ये देख लीजिए, 15/7 है, तो 15/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 होल 1/7, ठीक। इसको ये किस में दिया है, ये हमारे पास जब दिया है इम्प्रॉपर में, तो इसको हम लोग सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिए, तो यानी ये क्या हो जाएगा, 2 + 1/7, यानी कि हम 0 से जब चलेंगे तो 1, 2, 3, ठीक है। चलिए तो हमने क्या किया, 0 से तो चला, सबसे पहले हमको कहाँ तक जाना है, कंप्लीट नंबर 2 है तो हम 2 तक तो चलेंगे ही चलेंगे। अच्छा अगले हिस्से को हमको क्या करना है, 7 हिस्सों में चेंज कर देना, तो 7 हिस्सों में चेंज कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये रहा 7। अच्छा इसमें से कितना हिस्सा पिक करना है, 1 हिस्सा, तो हमने ये 1 हिस्सा पिक कर लिया, यही हमारा क्या हो जाएगा, 2 होल 1/7, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए।
सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन से हमको कमेंट कर दीजिए, हम इसको दोबारा क्लियर आपको करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।